हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग एक शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जो आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। साथियों, आज हम लोग पेपर लाए हैं द हिंदू का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करूँगा कि किस तरीके से IAS की तैयारी कराने वाली जो संस्थाएँ हैं वो मध्यम परिवार को किस तरीके से लूट रही हैं, इसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। साथियों, मैं मध्यम परिवार क्यों कर रहा हूँ, खास करके जो अपर क्लास के लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खास करके जो मध्यम परिवार का जो बच्चा होता है, उसको जुगाड़ करके आना पड़ता है, जिद करके आता है, उसका एक सपना होता है, उसका एक ईगो होता है, और उसे किस तरीके से लूटा जाता है भ्रामक प्रचारों के माध्यम से, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे, सर आप कौन होते हैं, जब बड़े बड़े लोग हैं, इस पर तो कभी बात नहीं किए। तो साथियों, मैं बता दूं, कौन बोलेगा, सबका एक बिजनेस है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर आदमी लाभ कमाना चाह रहा है। और ये और आप लोग जानते हैं कि एक IAS की तैयारी करने के लिए आपको क्या कितनी समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं। कम से कम 2 लाख रुपया तो आप रख लीजिए पहले इनका फीस, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं IAS की तैयारी कराने वाली, कोचिंग हम नहीं कह सकते, इनको इंडस्ट्रीज कहेंगे, इनके लिए 2 लाख रुपया पहले रख लीजिए और 10,000 रुपया मिनिमम खर्च रख लीजिए महीने का। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लेंगे, प्री का, प्री निकलेगा तो मेंस का टेस्ट सीरीज, और तमाम चीज़ें जो है हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा रहता है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये बुक, तमाम चीज़ें रहती है। इतना मोटा खर्च आता है कि एक मिडिल क्लास के लिए आकर तैयारी करना कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। तो साथियों, मैं सबसे पहले इनकी बात करता हूँ, मैं ये आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तब मैं मुद्दे पर आता हूँ, आप लोग बने रहिएगा लास्ट में। देखिए, ये है द हिंदू के फ्रंट पेपर पर IAS दृष्टि, IAS का एक है ऐड है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कुल मिलाकर 240 सेलेक्ट हुए। तो मैं आ रहा हूँ अभी मुद्दे पर, जबकि इस साल सन 2023 वाला जो रिजल्ट 24 में आया, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है, जैसे 22 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट 23 में आया, अभी जो 2024 में रिजल्ट आया है ये 2023 वाला था, जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था। तो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आया है, कुल 1016 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और हर एक कोचिंग, जैसे ये दृष्टि वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 240 हुए, और इसके बाद यह इधर भी पूरा दृष्टि का है, और इधर बाजीराम एंड रवि का है, और ये भी बाजीराम रवि का है, और इधर नेक्स्ट IAS का है। नेक्स्ट IAS कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कुल 633 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और इसके इधर भी नेक्स्ट IAS है। ऐसे ऐसे रोज़ देखेंगे, मैं कई सारा पेपर रखा हूँ जिसमें हर एक कोचिंग का इतना बड़ा बड़ा ऐड है। सोचो, द हिंदू जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है, और इस पेपर में इतने बड़े बड़े फ्रंट के पेज बुक कर लिए गए हैं ऐड करके, सोचो कितना सारा ज़्यादा यहाँ पर इनको पैसा पेड किए हुए। तो हमारा ये मुद्दा नहीं है, मैं ये दिखाना चाह रहा था कि सिलेक्शन हुआ 1016 बच्चों का लगभग, और दिखाया जा रहा है लगभग, अगर आप पूरा जोड़ेंगे, इन सभी कोचिंग संस्थाओं का आप जोड़ लेंगे, तो लगभग ये 3000 के ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा झपट्टा मारने के लिए 2 कदम पीछे लेते हैं, क्योंकि साथियों हमें मालूम है, अभी जब सन 2022 वाला रिजल्ट 2023 में आया था, तो उस समय 934 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और इन 934 बच्चों में जब सारी कोचिंगों ने इस तरीके से भ्रामक प्रचार किया, इतने खतरनाक तरीके से प्रचार किया कि सरकार ने इस पर शिकंजा कसा, सरकार ने बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के दृष्टि, IAS, नेक्स्ट IAS, खान GS, सर्किल, ऐसे जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाने हैं, उन संस्थाओं को नोटिस भेजा कि कहा कि आप लोग आकर जवाब दीजिए, और आज के बाद कोई भी आप लोग भ्रामक प्रचार नहीं करेंगे। क्योंकि जब ये पाया गया कि सिलेक्शन हुआ 900 बच्चों का, मैं सन 2022 वाला जो रिजल्ट 23 में आया था उसकी बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन 934 बच्चों का हुआ, और आप सभी कोचिंग का मिलाकर 3000 आ रहा है, लगभग 3-4 गुना ज़्यादा, तो बाद में ये पाया गया कि एक ही बच्चे का ये सभी कोचिंगों वाले छाप रहे हैं, तो पता लगा ये क्यों, तो फिर बाद में ये लगा कि भैया एक बच्चा किसी में जाकर प्री का टेस्ट दिया है, किसी में मेंस का टेस्ट दिया है, किसी में ऑप्शनल लिया है, किसी में GS का कोर्स लिया है, कहीं में जाके अपना इंटरव्यू दिया है, कहीं पर मेंटरशिप दिया है, और कहीं पर जाके वो जो है डेमो क्लास लिया है। तो इन वजहों से जो है हर एक कोचिंग वाले मान लेते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से हुआ है, और बेखौफ तरीके से उसका जो है पोस्टर बड़े बड़े बैनरों में छापते हैं। कितना बड़ा बड़ा पोस्टर इनका शहरों में लगता है साथियों, एक पोस्टर छपवाने का खर्च आप लोग जानते होंगे कि पोस्टर बनवाना, पोस्टर लगवाना,
खास करके MCED और नगर निगम से जो चुनौतीपूर्ण होती है, कितना खर्च आता है, और जब किसी गरीब का जो है फीस माफ़ करने की बात आती है तो वहाँ पर इनका मैनेजमेंट कहता है सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें सारे मतलब वो हैं, लेकिन जब सरकार ने इन पर शिकंजा कसा कि आज के बाद किसी भी बच्चे का आप लोग जो छापोगे अगर फ़ोटो कि ये बच्चा हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है, तो उसके फ़ोटो के नीचे लिखना पड़ेगा कि ये बच्चा तुम्हारे यहाँ से हुआ है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारे यहाँ से कौन सा कोर्स लिया था और उस कोर्स के लेने लिया था उसके बहाने आपको कितना दिया था, उस पैसे को भी छापना है। तो सारी कोचिंगों को यह निर्देश दिया गया था, लेकिन अब की बार जो फिर आया है तो इसमें इन्होंने फिर क्या उल्लंघन किया है साथियों, देख रहे हैं कि जो इतने बच्चों का छाप दिया है सभी कोचिंग वाले, तो इनमें जो है इनका दिक्कत अब की बार ये है कि इन्होंने बच्चों का तो छापा है, कहाँ ये बच्चा हमारे यहाँ से कौन सा कोर्स लिया है, किसी ने इंटरव्यू लिखा है, किसी ने मॉक टेस्ट लिखा है, किसी ने GS, किसी ने ऑप्शनल, किसी ने ऐसे करके सबने लिखा है, लेकिन ये कोई इंडस्ट्रीज़ कोचिंग इंडस्ट्रीज़ वाला ये नहीं लिखा कि ये कोर्स बेचने के बहाने ये बच्चा हमें कितना पैसा दिया, हमने इसे कितना लिया, ये चीज़ें नहीं छापी हैं। तो शायद एक तरह का इन्होंने फिर से उल्लंघन किया है, सरकार ने ये सोचा कि अगर वहाँ पर कोर्स के साथ साथ पैसा भी छापेगा तो जो बच्चा दूर दराज है जो आना चाहता है तो उनके लिए एक तरह से पारदर्शिता रहेगी। ये लोग क्या करते हैं, भ्रामक प्रचार दिखाकर ये हुआ इस तरह से हुआ, तो बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके गार्जियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण बच्चा भी दुविधा में आ जाता है, उसको समझ नहीं आता कौन सी कोचिंग बेटर है कौन सी नहीं है। वो जितना ज़्यादा भ्रामक प्रचार वाला देखता है तो उसको लगता है जो दिखता है वही बिकता है, तो उसी में आके एडमिशन ले लेता है। तो इन्हीं भ्रामक प्रचारों पर सरकार ने निर्देश जारी किया था कि आप लोग जो भी बच्चों का फोटो छापोगे उसका कोर्स और उस कोर्स के बहाने कितना पैसा लिया ये छापना होगा। लेकिन अब की बार भी इन्होंने कोर्स तो छापा लेकिन उस पर पैसा नहीं छापा कि इसके बहाने हमने कितना पैसा लिया। तो साथियों अगर पैसा भी छपेगा तो खास करके ये पारदर्शिता आएगी कोचिंगों में, कौन सी कोचिंग किस मतलब कोर्स के लिए कितना पैसा ले रही है, तो बच्चों के सामने ये भी पारदर्शिता रहेगी। तो खास करके ये जो होड़ मची है कि कोचिंग इंडस्ट्री में लूट, जिसमें जितनी ज़्यादा फीस होगी उसकी उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, उतनी ज़्यादा जो है मतलब अच्छा मैनेजमेंट होगा, तो इस तरह का जो लोगों के अंदर एक तरह से जो है एक कीड़ा घुस गया है तो वो कीड़ा निकलेगा। सारी कोचिंगें जब दाम छापना कम मतलब शुरू कर देंगी तो लोगों की ये कोशिश रहेगी कि हम अपना जो है रेट कम करें, क्योंकि वहाँ पर हमें कम दिखाना होगा, तो रेट कम रहेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे। तो ये चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए साथियों। इसमें होता क्या है साथियों, एक मिडिल क्लास का बच्चा जब आता है तैयारी करने तो उसके बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, और आने के बाद फिर अंत में पता लगता है कि यार ये कोचिंग तो भ्रामक प्रचार की थी, भ्रामक प्रचार के माध्यम से हमने आकर इसमें एडमिशन ले लिया, इसमें वो सारी क्वालिटी है ही नहीं जो इन्होंने तमाम चीज़ जो है भ्रामक प्रचार के माध्यम से बता दिया था। तो ये चीज़ें समझना होगा, हम सबको बात उठाना होगा कि आप लोग जो है पारदर्शिता लाइए, और ख़ास करके आप लोग शिक्षा का बाजारीकरण मत बनाइए, शिक्षा का जो है उद्योग के रूप में मत बदलिए। इतनी बड़ी बड़ी सोचिए, 2-2 लाख फीस रखे हैं, अगर आप कम्बो बाइक लेने जाएंगे तो शायद 2 लाख से कम किसी भी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा साथियों, आप ऐसा आपका अगर ये शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, आपका जो काम है सेवा धर्म का काम है, तो आप लोग इतनी महंगी फीस क्यों किए हैं, तो ये समझना पड़ेगा। क्योंकि इनका एक इंटेंशन यह भी रहता है कि हम महंगी फीस रखेंगे तो लोग सोचेंगे इनकी बेटर क्वालिटी है इसलिए। तो साथियों ये सब चीज़ों को हम सबको समझना पड़ेगा। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप, और आपसे भी एक निर्देश है, आप यदि किसी को भी निर्देश दे रहे हैं या आपके पास पड़ोस रिश्तेदार या कहीं भी कोई आ रहा है तो भ्रामक प्रचारों पर मत जाइए। सबसे पहले जो है उसके साइट पर जाकर उसको जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। मैं किसी भी कोचिंग का विरोधी नहीं हूँ, किसी का समर्थक नहीं हूँ, बस हमारा ये काम है, मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, उसके साथ साथ UPSC एस्पायरेंट्स भी हूँ, और हमारा यह काम है कि हम चीज़ों को जो है एक मतलब जो सही डायरेक्शन में ले जाएँ। तो आपसे भी यही निर्देश है, आप लोग अगर किसी को भी आप मान लीजिए तैयारी किए हैं या फिर आपसे कोई सलाह मांग रहा है तो आप लोग उसे भ्रामक प्रचारों के माध्यम से सलाह न दें, आप लोग उसे जांच पड़ताल कर तभी उसको सलाह दें। धन्यवाद।